हे एवरीबॉडी, हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल इन्फो आइलैंड। तो गाइस, कैसे हो आप सब? कैसे चल रहे हैं आपके एसएससी फेज 12 के एग्जामिनेशन, जो कि आपके 20 जून 2024 से शुरू हो चुके हैं। तो गाइस, आज हम आपके लिए वीडियो लेकर आ चुके हैं, क्योंकि आज यानी कि 24 जून 2024 का आपका एसएससी फेज 12 का फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट का एग्जामिनेशन हो चुका है। तो उसका कम्प्लीट एग्जाम एनालिसिस जानने के लिए वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी कहीं स्किप मत करना। और जस्ट इन केस आपके एग्जाम नहीं भी दिया है, तब भी वीडियो को पूरा देखना, सो दैट आगे आने वाली शिफ्टों में अगर आपका एग्जाम होने वाला है तो आपको एक आइडिया मिल जाए कि हाँ, कि किस तरह का एग्जाम ट्रेंड चल रहा है, किस तरह का एग्जाम पैटर्न चल रहा है और किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। इस बार एसएससी सिलेक्शन पोस्ट का ये जो फेज 12 का एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा। तो चलिए, बिना किसी देरी के जल्दी से वीडियो को देख लेते हैं, शुरू कर लेते हैं और देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आज यानी कि 24 जून 2024 के फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट के पेपर में देखे गए थे। तो गाइज, इस वीडियो में मैं आपको सारे वो जीके जीएस के क्वेश्चंस बताने वाली हूँ जो कि आपको आज के पहली और दूसरी शिफ्ट में पूछे गए थे, अलोंग विद दैट एडिशनल इन्फॉर्मेशन, दैट एडिशनल फैक्ट्स। जैसे कि अगर आगे आपको किसी भी एग्जाम में उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, देन यू विल बी इन अ सिचुएशन टू आंसर दैट। तो चलिए, लेट्स बिगिन। सो गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वो था आपका अमरावती स्तूप से रिलेटेड। पूछा गया था कि जो अमरावती स्तूप है ये भारत के किस राज्य में स्थित है। तो गाइस, जो अमरावती स्तूप है ये आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो यू शुड नो कि आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश का भी गुंटूर जिला जो है, तो राज्य हो गया आपका आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में यह स्थित है। बात करें इसके निर्माण किसने किया था, तो इसका जो निर्माण था वो अशोक के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में। और ये जो अमरावती स्तूप है गाइज, इसमें बेसिकली क्या बताया गया है? तो जो लॉर्ड बुद्धा थे, जो बुद्ध के जीवन का, उनके पूरे जीवन काल का और उनके शिक्षण का जो चीजें थी वो इस स्तूप में उकेरा गया है। अगला सवाल था, हिंदुस्तानी संगीत के जनक के रूप में किसे जाने जाता है? और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत पर जो पहला आधुनिक ग्रंथ है वो कब लिखा गया था? तो गाइज, जो हिंदुस्तानी संगीत है उसके जनक के रूप में तानसेन हुआ, अमीर खुसरो हुआ, पंडित विष्णु नारायण भातखंडे हुआ, ये सब आपके हिंदुस्तानी संगीत के जनक के रूप में जाने जाते हैं, शास्त्रीय संगीत के रूप में। और बात करें जो पुरंदर दास जी थे, इनको कर्नाटक संगीत के जनक के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे नोट कीजिएगा आप, कर्नाटक के संगीत के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? पुरंदर दास को। बात करें इसमें जो ग्रंथ की शुरुआत की गई थी, वो जो पहला ग्रंथ था वो गए इस 11-12 सदी के समय में लिखा गया था। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा गया था गाइज, वो स्टार्टअप इंडिया योजना से पूछा गया था, आपसे पूछा गया था कि स्टार्टअप इंडिया योजना क्या है। तो गाइज, जो स्टार्टअप इंडिया है ये भारत सरकार द्वारा इज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार और ईज ऑफ डूइंग, यू नो मतलब इजी, किसी चीज को सिंप्लीफिकेशन कर देना, किसी चीज को इजी बना देना। सो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार और भारत के नवोदित स्टार्टअप के लिए, स्टार्टअप अनुकूल माहौल विकसित करने के लिए इसको अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पे शुरू किया गया है। बात करें इस योजना की घोषणा कब की गई थी, तो वो 2016 में की गई थी भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा, भारत को दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप केंद्र बनाने के उद्देश्य के साथ। इस स्टार्टअप इंडिया योजना को 2016 में भारत के प्रधानमंत्री जो कि नरेंद्र मोदी जी हैं उनके द्वारा लाया गया था। जो स्टार्टअप इंडिया योजना है ये भारत के सर्वश्रेष्ठ स्टार्टअप विचारों को विकसित करने और उनकी पूरी क्षमता का एहसास करने में मदद करती है। अब बात करें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू स्टार्टअप इंडिया। तो जो स्टार्टअप इंडिया है ये आपकी 16 जनवरी 2016 को शुरू की गई थी। तो गाइस, ये एस्टेब्लिशमेंट डेट आपको अच्छे से याद रखना है कि कब से इसको लॉन्च किया गया है। बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन के साथ साथ सतत विकास हासिल करने के लिए, नवाचार और स्टार्टअप के लिए एक अनुकूल और अनुकूल परिस्थितियों तंत्र बनाने के उद्देश्य इस स्टार्टअप इंडिया को भारत सरकार ने लाया है, ये उसकी पहल है। स्टार्टअप इंडिया योजना जो है वो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत DPIIT द्वारा कार्यान्वित और समन्वित की जाती है। तो आपको यहाँ पर ये चीज भी पता होना चाहिए कि कौन रेगुलेट करता है, किसके थ्रू काम करती है। सो DPIIT।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि भारतीय द्वारा यूरोपीय व्यक्तियों के परीक्षण और देश में ब्रिटिश और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता की जो मांग है, इसके लिए कौन सा विधायक या अधिनियम प्रदान किया गया है? तो इसके लिए गाइज एक बिल लाया गया था जिसका नाम है इल्बर्ट बिल। इसको 1883 में मार्कोस ऑफ रिपन की वाय सराय शिप के दौरान पेश किया गया था, तो 1883 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था गाइस, शॉटपुट रिलेटेड क्वेश्चन अगर आपको ध्यान हो तो 22 जून के पेपर में भी आया था और आज आपके 24 जून के पेपर में भी आपसे पुरुषों के शॉटपुट का, तब शॉटपुट का वजन पूछा गया था और इस बार स्पेसिफिकली पुरुषों के शॉटपुट का वजन पूछा गया है। तो जो पुरुषों के शॉटपुट का वजन होता है वो होता है आपका 7.26 किलोग्राम, जिसको अगर हम पाउंड्स में बात करें तो पाउंड्स में इट इज 16 पाउंड्स। और व्यास की बात करें तो इसका जो व्यास होता है वो आपका 110 से 130 मिलीमीटर का होता है, यानी कि जो रेडियस हो गया वो यानी कि 4.3 से लेके 5.1 इंच का ये इसका रेडियस होता है। वहीं अगर महिलाओं की बात करें कि जो महिलाओं का शॉटपुट होता है उसका वजन कितना होता है, तो गाइज वो होता है आपका 1 किलोग्राम, जिसको पाउंड्स में बताएं तो 8.82 पाउंड्स का होता है। जिसके व्यास की बात करें तो 95 से 110 मिलीमीटर का ये व्यास होता है, यानी कि 3.7 से 4.3 इंचेस का। तो गाइज ये अच्छे से याद रख लेना, इन टर्म्स ऑफ मिलीमीटर्स आल्सो, इन टर्म्स ऑफ इंचेस आल्सो आपको पता होना चाहिए, बिकॉज क्वेश्चंस किसी भी फॉर्म में आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था बाहु किला कहाँ पर स्थित है, तो गाइज ये जम्मू में स्थित है और ये एक धार्मिक स्थल है और यहाँ पर इसका जो परिसर है यहाँ पे एक हमारी जो हिंदू देवी काली माता है उनका एक मंदिर बना हुआ है और उन्हीं को यह मंदिर समर्पित है। अगला सवाल स्वर्ण क्रांति से पूछा गया था, जिसको गाइज हम गोल्डन रेवोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। तो आपसे सवाल ये पूछा गया था कि स्वर्ण क्रांति जो है ये किस चीज से संबंधित है, तो गाइज जो गोल्डन रेवोल्यूशन था वो बेसिकली प्रोडक्शन ऑफ हनी एंड हॉर्टिकल्चर, यानी कि बागवानी और शहद के प्रोडक्शन से रिलेटेड था, जिसको 1991 में शुरू कर दिया था और 2003 तक ये चला था। स्वर्ण क्रांति के जनक की बात करें तो जो स्वर्ण क्रांति के जनक थे वो निरपक तूतज जी थे, जिन्होंने गोल्डन फाइबर क्रांति, जिसको हम जूट उत्पादन से भी संबंधित होती है, उसको शुरू किया था। अब गाइस क्योंकि स्वर्ण क्रांति के बारे में पूछा है तो हैज अ लिस्ट ऑफ ऑल अदर क्रांति, ऑल अदर रेवोल्यूशन, जिससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि भूरी क्रांति जो है वो चमड़ा कोको से रिलेटेड है, हरित आपकी कृषि उत्पादन से, ग्रे उर्वरक से, गुलाबी प्याज और झींगा से, लाल मांस टमाटर से, गोल क्रांति जो है वो आपकी आलू से, रजत जो है वो कपास से, रजत जो है वो आपकी अंडा से, और रजत फाइबर क्रांति जो है वो कपास से। सो दोनों का डिफरेंस याद रखना है, रजत पूछा जाता है तो अंडा है। श्वेत क्रांति डेयरी दूध उत्पादन से, पीली आपकी तेल बीज उत्पादन से, नीली मछली से, और काली जो है वो पेट्रोलियम उत्पादन से। तो ये विभिन्न तरह की जो क्रांतियां हुई थी उस समय में रिलेटेड टू डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्शन एंड डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड देयर प्रोडक्शन, तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है। किस भारतीय वायु सेवा का नया उपप्रमुख नियुक्त किया गया है, तो गाइज एयर मार्शल एपी सिंह जो हैं इनको भारतीय वायु सेवा का नया वाइस चीफ नियुक्त किया गया है, अपॉइंट किया गया है। और बात करें कि ये किसका जगह लिया है इन्होंने, तो जो मार्शल एपी सिंह हैं इन्होंने मार्शल संदीप सिंह का स्थान लिया है। अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो गाइज दिसंबर 1885 में मुंबई में। तो दोनों चीज जानना जरूरी है, कहाँ हुई थी, मुंबई में, कब हुई थी, दिसंबर 1885 में। कौन सा महासागरीय तलों का विभाजन नहीं है, तो गाइज जो महासागरीय तल होते हैं इनको आप चार प्रमुख भागों में बांट सकते हैं, जैसे कि महाद्वीपीय सेल्फ, महाद्वीपीय ढलान, गहरे समुद्र का मैदान और महासागरीय गहराई। ये चार तलों में बांटा जाता है, इसके अलावा कुछ भी ऑप्शन में आपको गिवन होता है दैट वुड बी योर आंसर कि वो नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, IUPAC नामकरण के अनुसार आवर्त सारणी में किस तत्व के परमाणु क्रमांक को सर्बोगियम नाम दिया गया है, तो ये आपको 106वां जो होता है जिसको सर्बोगियम नाम दिया गया है। और गाइस बेसिकली सर्बोगियम होता क्या है, ये एक कृत्रिम रासायनिक तत्व होता है जिसका जो प्रतीक, मतलब जिसका जो सिंबल होता है वो SG होता है, और परमाणु संख्या की बात करें तो वो 106 होता है। और इस तत्व का जो नाम है ये ग्लेन टी सीबोर्ग, तो जब ग्लेन टी सीबोर्ग ने सर्बोगियम का
सिर्बोगियम से रिलेटेड चीजें बताई थी, तो उन्हीं के नाम पे सीबोर्ग से सिर्बोगियम कर दिया गया था, जो कि एक, और ग्लेन टी सीबोर्ग के बारे में आपको बता दूं, वो एक अमेरिकी परमाणु रसायनज्ञ, और उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था, तो वो एक नोबेल पुरस्कार विजेता भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार भारत की केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, ये जो है ये किसके द्वारा संसद में पेश किया गया था? तो गाइज ये भारत के वित्त मंत्री के द्वारा पेश किया गया था। और बात करें भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 सब सेक्शन 1 के अनुसार जो राष्ट्रपति होता है वो यह सुनिश्चित करता है, उसकी बेसिकली ये जिम्मेदारी उसको ये सौंप दी जाती है कि जो संसद के दोनों सदन हैं उसकी समक्ष व्यय का जो वार्षिक विवरण है वो वहां पर पेश किया जाए, रखा जाए, ये सुनिश्चित करता है राष्ट्रपति। अगला सवाल आपसे पूछा गया था, कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो गाइस सैयब बदरुद्दीन तैयब जी जो थे वो कांग्रेस के जो तीसरा अधिवेशन था उस समय उसके अध्यक्ष थे, और वो सबसे पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। अब क्योंकि गाइस हमने अधिवेशन की बात करी है तो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैं थोड़ी सी दे देती हूँ, जो सो दैट अगर आपको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा किसी भी अधिवेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आप उसको आंसर कर पाए। तो बात करें पहले अधिवेशन की, तो पहला अधिवेशन आपका 1885 में हुआ था, बॉम्बे में हुआ था। अध्यक्ष जो थे वो थे डब्ल्यू सी बैनर्जी, और ये जो चीज था ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन इस अधिवेशन में हुआ था। बात करें दूसरे अधिवेशन की, 1886 में हुआ था, कलकत्ता में हुआ था, अध्यक्ष थे दादा भाई नारोजी। तीसरा अधिवेशन जो था 1887 में हुआ था, मद्रास में हुआ था, अध्यक्ष जो थे वो थे सैयद बदरुद्दीन तैयब जी, जो कि पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। उसके बाद करें चौथा अधिवेशन जो कि 1888 में हुआ था, इलाहाबाद में हुआ था, और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे जॉर्ज यूल, जो कि पहले अंग्रेजी अध्यक्ष थे इस अधिवेशन के दौरान। फिर बात करें 1896 की, तो 96 में जो हुआ था वो कलकत्ता में हुआ था, अध्यक्ष थे रहीम तुल्लाह सयानी। और इसी अधिवेशन के दौरान गाइज राष्ट्रीय गीत जो हमारा वंदे मातरम है ये पहली बार रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा गाया गया था, तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस अधिवेशन से रिलेटेड, प्लीज अच्छे से याद रखना। फिर नेक्स्ट आपका 1899 में लखनऊ में हुआ था रोमेश चंद्र दत्त के द्वारा, और भू राजस्व के स्थायी निर्धारण की मांग उन्होंने इस अधिवेशन में की थी। फिर बात करें 1901 में जो अधिवेशन हुआ था जो कि कलकत्ता में हुआ था, और दिनरशॉ ई वाचा जो थे वो अध्यक्ष थे, और उन्हें पहली बार गांधी जी कांग्रेस के मंच पर आए थे इस पर्टिकुलर 1901 का जो अधिवेशन हुआ था उसमें। गाइस सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछे जाते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा था वो आपसे बीएमआई का पूछा गया था, तो गाइस बीएमआई की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, इट इज बॉडी मास इंडेक्स। आपसे पूछा गया था इसको इसको जानने का मतलब इसको मेजर करने का सूत्र क्या होता है। सो बीएमआई कैलकुलेट करने के लिए आपको वजन चाहिए किलोग्राम में, उसको डिवाइड कर दो ऊंचाई यानी कि हाइट मीटर में, और यस दैट्स वेयर यू गॉट गेट योर बीएमआई। तो किसी व्यक्ति का जो शरीर द्रव्यमान सूचकांक होता है वो वजन और ऊंचाई के मामले में शरीर में मोटापा दर्शाता है, इट्स ट्रू राइट। और ये जो व्यक्ति की विभिन्न वजन के अनुसार होता है वही वर्गीकृत करता है, तो अलग अलग लोगों के अलग अलग वजन होने के कारण ऑब्वियसली उनका बॉडी मास इंडेक्स भी अलग ही होता है। तो यह सूत्र में हम बता ही चुके हैं कि इस सूत्र में जो केजी होता है वो डिनोट करता है व्यक्तियों का वजन किलोग्राम में, जो मीटर स्क्वायर होता है ये मीटर स्क्वायर, दिस इज मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर जो होता है वो व्यक्ति की ऊंचाई बताता है मीटर वर्ग में। अगला सवाल आपसे पूछा गया था मुख्यमंत्री का, तो उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री का नाम पूछा गया था वो है मोहन चरण मांझी। एडाई से रिलेटेड भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है गाइस, एडाई के अध्यक्ष का नाम पूछा गया था देवाशीष पांडा। बात करें एडाई की फुल फॉर्म, तो इट इज इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट आपसे 17वीं लोकसभा से उड़ीसा में कितने सांसद थे ये पूछा गया था, तो गाइस 17वीं लोकसभा में आपके 21 लोकसभा सदस्य और 10 राज्यसभा सदस्य थे। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था टू स्टेट्स जो पुस्तक है जो कि बुक भी थी और मूवी भी आ चुकी है, तो उसके लेखक का नाम पूछा गया था वो है चेतन भगत। नेक्स्ट आपसे सीजेआई का फुल फॉर्म पूछा गया था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नाउ दैट आप से इतनी सारी फुल फॉर्म पूछी जा रही है एग्जाम में, आप बेहद ध्यान रख रहे होंगे एब्रीविएशन याद रखने का, तो
तो गाइज एब्रीविएशन रिलेटेड वीडियो भी हमारे चैनल पर अवेलेबल है, चाहे वो कंप्यूटर रिलेटेड आपको देखना हो, बैंकिंग रिलेटेड देखना हो, जनरल टर्मिनोलॉजी रिलेटेड देखना हो, इट्स ऑल अवेलेबल ऑन द चैनल, प्लीज गो एंड वॉच दैट ऑल्सो, आपकी काफी हेल्प हो जाएगी। नेक्स्ट पूछा गया था जनसंख्या में प्रति 1,000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को क्या कहा जाता है, तो गाइज लिंगानुपातों से हम बोलते हैं, और जो लिंगानुपात होता है वो एक दी गई जनसंख्या में प्रति 1,000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो दैट्स हाउ जो सेक्स रेशियो जिसे हम लिंगानुपात बोलते हैं वो मेजर किया जाता है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था विशाल स्नानागार का आकार कैसा होता है, तो वो चौकोर होता है, आयताकार। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था वीबीएस लक्ष्मण की जो आत्मकथा, अगेन ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी, नॉवल, बुक्स, मैगजीन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चैनल पे वीडियो अवेलेबल है, उसको भी देख लेना, आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी। तो वीबीएस लक्ष्मण की आत्मकथा का नाम जो है वो है 281 एंड बियॉन्ड। नेक्स्ट है 2011, ओ गॉड हाउ कैन वी फॉरगेट गाइस, सेंसस 2011, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में चले जाओ, आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का पेपर उठा के देख लो, सेंसस 2011 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन अच्छे से रट लेना। एंड दिस टाइम आज के पेपर में जो पूछा गया था वो पूछा गया था महिला साक्षरता दर सबसे ज्यादा किस राज्य की कम है, तो गाइस जो कम है वो है राजस्थान, और जो सबसे ज्यादा है वो है केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी, तो बात करें कब हुई थी, 26 जुलाई 1876 में, बात करें किसके द्वारा की गई थी, तो सुरेंद्र नाथ बैनर्जी के द्वारा। अगला सवाल, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, वेरी कॉमन क्वेश्चन, आई एम अज्यूमिंग आप सबको पता ही होगा, बट स्टिल बिकॉज वी हैव टू आंसर इट, इट्स गोइटर इन इंग्लिश, हिंदी में हम उसे घेंगा बोलते हैं। सो आयोडीन अगर आपके बॉडी में कम है, विटामिन डी की कमी है, तो घेंगा नामक रोग होने का डर रहता है। ओके नेक्स्ट है, रेलवे के वर्तमान में सीईओ कौन है, तो वो है श्रीमती जया वर्मा सिंह। नेक्स्ट था बाराबर पहाड़ी की जो गुफा है ये भारत के किस राज्य में स्थित है, तो गाइज वो बिहार के जहानाबाद जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थियोसॉफिकल सोसाइटी से आया था, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई, कब की गई, तो बात करें कब की गई, तो 1831 टू 1891, ओके, और किसके द्वारा की गई, तो गाइस मैडम एच पी ब्लावात्स्की और कर्नल एम एस ऑलकॉट के द्वारा की गई थी। तो जो पश्चिमी देशों के एक समूह ने, जिस ग्रुप में मैडम एच पी ब्लावात्स्की और कर्नल एम एस ऑलकॉट थे, जो कि भारतीय विचार और संस्कृति से प्रेरित थे, उन्होंने 1875 में, तो गाइज नोट कीजिएगा, 1875 में संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में थियोसॉफिकल सोसाइटी जो थी उसकी स्थापना की थी। तो कब की थी, 1875 में, कहाँ की थी, न्यूयॉर्क में, यूएसए के न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट है चेटियागिरी बिहार बिहार इट शुड बी बिहार हियर गाइस ओके टू बी नोटेड, चेटियागिरी बिहार महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के सांची में। भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, तो वो है कंचनजंगा, और अगर आपसे उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी पूछ ली जाती है तो वो है नंदा देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था रेलवे के वर्तमान में सीईओ कौन है, तो वो है श्रीमती जया वर्मा सिंह। तो उससे रिलेटेड थोड़ी सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जल्दी से देख लेते हैं, मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ के रूप में जया वर्मा सिन्हा की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है, तो उनकी पोजीशन क्या है, उनकी पोस्ट क्या है, रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष और सीईओ जो ये श्रीमती जया वर्मा सिंह है, उन्होंने नए अध्यक्ष और सीईओ रेलवे बोर्ड के रूप में अनिल कुमार लोहाटी की जगह ली है। तो प्रीवियसली अगर आपसे पूछा जाता है कि श्रीमती जया वर्मा सिंह से पहले कौन था, तो वो थे अनिल कुमार लाहोटी। 1 सितंबर 2023 को पदभार ग्रहण किया है, तो उन्होंने कब ज्वाइन किया, 1 सितंबर 2023 को, और वे रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष भी हैं। सो दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो पहली महिला अध्यक्ष हैं रेलवे बोर्ड की। बात करें विजय लक्ष्मी विश्वनाथन की, जो कि रेलवे बोर्ड की पहली महिला सदस्य थी, तो ये दोनों चीजों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बिल्कुल। पहली महिला सदस्य जो अगर आपसे पूछा जाए तो वो है विजय लक्ष्मी विश्वनाथन, पहली महिला अध्यक्ष पूछी जाती है तो वो है श्रीमती जय वर्मा सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है, तो अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण करता है आपका अनुच्छेद 20।
ओके, नाउ दैट वी आर टॉकिंग अनुच्छेद 20 से रिलेटेड थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो जो भारत के संविधान का अनुच्छेद 20 होता है वो अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण से संबंधित होता है। अनुच्छेद 20 एक आरोपी व्यक्ति चाहे चाहे वो नागरिक हो विदेशी हो उसको मनमानी और अत्यधिक सजा के खिलाफ तीन प्रकार की सुरक्षा प्रदान करता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा की भी गारंटी दी जाती है। तो यहाँ पे 21 का भी आपको बता दिया है, याद कर लेना। और इस ही अनुच्छेद में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार अपने जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संस्कृति मंत्रालय के अनुसार 2023 तक भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? तो वो है आपका 9। तो गाइस, भरत मुनि के जो ग्रंथ हैं नाट्य शास्त्र की एक प्रसिद्ध कृति में नृत्य का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। और जो छऊ है, ये छऊ नृत्य जो है ये भारत का नवा नृत्य रूप है, तो ये भी आपको याद कर लेना है। बात करें संस्कृति मंत्रालय वर्तमान की, तो उसमें 9 भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैलियों को शास्त्रीय दर्जा प्रदान कर रखा है। और किन को दे रखा है वो शास्त्रीय दर्जा, वो नाम यहाँ पर दिए गए हैं। भरतनाट्यम, कथक, कथकली, कुचिपुड़ी, ओडिसी, मणिपुरी, मोहिनीअट्टम और सत्रिया और छऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, आपसे पूछा गया था कि जब हुमायूं ईरान भाग गया था तो उसे किसने शरण दी थी? तो इसका करेक्ट आंसर है तहमास्य। भारत में उसे शेरशाह सूरी, शेरशाह ने इसे बेलग्राम के युद्ध में पराजित कर दिया था तथा उसे भारत से निर्वासित होना पड़ा था। उसने निर्वासन का कुछ समय काबुल, सिंध, अमरकोट में भी बिताया था और अंत में ईरान के शासक तहमासे के पास शरण ले ली थी। अब बात करें गाइस शाह तहमासप की, तो वो एक फारसी राजा थे जिन्होंने हुमायूं को काबुल और कंधार पर विजय प्राप्त करने में मदद करी थी। तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखना। सैन्य सहायता भी उन्होंने ही प्रदान करी थी हुमायूं को। बाद में उन्होंने सिकंदर सूर की जो अफगान सेना थी उसको 1555 में हरा दिया था और आगरा और दिल्ली जो थे उस पर कब्जा कर लिया था। बात करें हुमायूं की, तो हुमायूं दूसरा मुगल सम्राट था जिसने भारत में मुगल शासन काल के दौरान, तो एक चीज नोट कीजिएगा, दूसरा मुगल सम्राट था जिसने भारत में मुगल शासन काल के दौरान भारत पर शासन किया था कुछ आंतरिक समस्याओं के कारण, और चौसा और कन्नौज में शेर खान से हार होने के बाद, तो हुमायूं बेसिकली जो चौसा का युद्ध था वो भी हार गया था, जो कन्नौज का युद्ध था वो भी हार गया था। किससे हारा था? शेर खान से। तो ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। उसके हार के बाद उसे ईरान भागने के लिए मजबूर होना पड़ा था क्योंकि बैक टू बैक उसको हर जगह से हार मिल रही थी, तो फोर्सफुली उसको फिर ईरान भागना ही पड़ा। अगला सवाल आपसे पूछा गया था मेघालय में लोकसभा सीट कितनी है, तो आंसर है 2। अब क्योंकि हम लोकसभा सीटों की बात कर रहे हैं तो गाइज मैं आपको पूरी यहाँ पर लिस्ट बता दी है जिसमें अलग अलग स्टेट में कितनी लोकसभा सीटें हैं, कितनी असेंबली सीट हैं, कितनी राज्यसभा सीट हैं, वो आपको यहाँ पर बता दिया है और डेट भी बताई है। तो गाइज इसको अच्छे से पढ़ लेना। मैं आपको लोकसभा सीट रीड आउट कर देती हूँ, आप बाकी वाली सीट चीजें भी देख लीजिएगा। तो बात करें लोकसभा सीट की, तो आंध्र प्रदेश में है 25, अरुणाचल प्रदेश में 2, आसाम में 14, बिहार में 40, छत्तीसगढ़ में 11, गोवा में 2, गुजरात में 26। और ये असेंबली सीट है और ये राज्यसभा सीट है। हरियाणा में 10, हिमाचल प्रदेश में 4, झारखंड में 14, कर्नाटका में 28, केरला में 20, मध्य प्रदेश में 29, महाराष्ट्र में 48, मणिपुर में 2, मेघालय जो कि आपसे सवाल पूछा गया था उसमें भी 2, मिजोरम में 1, नागालैंड में 1, एनसीटी दिल्ली जो है वहां पर 7, ओडिशा में 21, पुडुचेरी में 1, पंजाब में 13, लोकसभा राजस्थान में 25, सिक्किम में 1, तमिलनाडु में 39, तेलंगाना में 17, त्रिपुरा में 2, उत्तर प्रदेश में 80, उत्तराखंड में 5, और ये जो यूनियन टेरिटरी है आपके जम्मू और कश्मीर में वहां से भी मिली थी 5 सीटें, वेस्ट बंगाल है 42। तो ये सारी है लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट भी है, असेंबली सीट भी है, इसको आप अच्छे से याद कर लेना बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट विद द पर्सपेक्टिव ऑफ ऑल द कॉम्पिटेटिव एग्जाम। नो मैटर आप कौन सा एग्जाम दे रहे हो, सब में इससे रिलेटेड अभी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे बिकॉज इट इज द ट्रेंडिंग टॉपिक।
दैट्स इट गाइस, ये थे वो सारे इंपॉर्टेंट जीके जेएस क्वेश्चंस जो कि आज यानी कि 24 जून 2024 के पहले दूसरे शिफ्ट में आपसे पूछे गए हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, आई होप वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा। इफ यस देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल इन्फो आयरन, बिकॉज इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज हम हमारे चैनल पर डेली लाते रहते हैं सो दैट आपको बहुत ज्यादा हेल्प हो जाए और हमको आपसे बहुत सारा प्यार मिले। चैनल पर अगर नए हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, जल्दी से जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल आइकन हिट करो एंड लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो कि किस पर्टिकुलर वीडियो को आप देखना पसंद करेंगे। किसी अगर पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको कोई वीडियो चाहिए देन यू कैन टेल दैट टू अस। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, वी विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो।